हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी जोन पर। दोस्तों, यहां पर लाखों अभ्यर्थी CISF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री एग्जाम डेट का इंतजार कर रहे हैं और यहां पर CISF की ऑफिशियल वेबसाइट पर कम से कम दिन भर में एक से दो बार विजिट करते हैं और देखते हैं CISF ने कहीं हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री की एग्ज़ाम डेट से रिगार्डिंग कोई नोटिस जारी की है या नहीं की है। यहाँ पर दोस्तों कैंडिडेट लगभग दो साल से जो है अपनी रिटन एग्ज़ाम डेट का इंतज़ार कर रहे हैं कि आखिर CISF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री की एग्ज़ाम डेट CISF क्यों नहीं जारी कर रहा है, आखिर क्या वजह है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको इस चीज़ को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट देंगे कि आपकी क्या CISF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री एग्ज़ाम 2021 के अंदर होगी या नहीं होगी, या आपके मन में सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। क्योंकि दोस्तों, एक इंतज़ार की भी सीमा रहती है जो CISF ने यहाँ पर लाखों अभ्यर्थियों को इस चीज़ को लेकर यहाँ पर रोके रखा है, उनकी एग्ज़ाम को रोके गया है। पहला तो दोस्तों, उन्होंने 2019 के अंदर इस भर्ती को नोटिफिकेशन जारी किया जिसकी यहाँ पर फिजिकल उन्होंने तो सही समय पर ले ली, पर यहाँ पर जो रिटन एग्ज़ाम है और जो टाइपिंग है वो यहाँ पर CISF की तरफ से इन बातों को लेकर कोई भी अपडेट नहीं दिया जा रहा है। जैसा कि दोस्तों, अगर आप रिसेंटली देखें 2021 के अंदर CISF ट्रेडमैन की भी एग्ज़ाम करा ली गई 21 मार्च को यहाँ पर दोस्तों, पर यहाँ पर CISF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री की एग्ज़ाम डेट को लेकर CISF के ऑफिशियल वेबसाइट पर कोई भी अपडेट जारी नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर दोस्तों, CISF ने एक्स सर्विसमैन भी रिक्रूटमेंट निकाली लगभग 2000 पद पर, जिसकी एग्ज़ाम यहाँ पर 21 जुलाई से निर्धारित की गई है और जो इसकी प्रक्रिया यहाँ पर जो है जून तक जो है चलने वाली है यहाँ पर। पर दोस्तों, यहाँ पर इन कैंडिडेटों का सवाल यह बना हुआ है कि आखिर CISF हर रिक्रूटमेंट को पूरा कर रही है तो यहाँ पर हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री की एग्ज़ाम डेट को वो क्यों नहीं जारी कर रही है, यह सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। क्योंकि कैंडिडेट्स के अगर ग्रुप के अगर आप शामिल हैं तो उसके अंदर आप देख सकते हैं कि काफ़ी कैंडिडेटों का यह कमेंट आ रहा है कि इस भर्ती को CISF रद्द कर देगा क्योंकि CISF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री की उन्हें ज़रूरत नहीं है, इसलिए इस भर्ती को ऐसे ही वो पेंडिंग रखेगा। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पर क्यों ना आपके मन में यह सवाल उठेगा क्योंकि इतनी लंबी भर्ती की प्रक्रिया हो चुकी है जिसके अंदर यह बातें उठना एकदम आम बात हो चुकी है। क्योंकि भर्ती की प्रक्रिया दो दो साल तक रुकी रहेगी तो यहाँ पर सोच सकते हैं कि कैंडिडेट अपनी भर्ती के लिए कितने प्रयास कर रहे हैं और यहाँ पर वो कितनी उम्मीद से इस फॉर्म को भरे होंगे। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पर काफ़ी लोगों का यह ड्रीम जॉब भी होगा जिसके कारण उन्होंने अपने मेहनत किया होगा, वो दिन रात इस भर्ती के लिए यहाँ पर पूरी तरह से तैयारी कर रहे होंगे। क्यों आखिर CISF जो है यहाँ पर जो है हेड कांस्टेबल की एग्ज़ाम डेट क्यों नहीं जारी कर रहा है यहाँ पर दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों वजह तो CISF ने अभी तक भी इस चीज़ को बारे में नहीं बताया है, पर यहाँ पर अगर आप इस चीज़ को देखें, एक्स सर्विसमैन की भर्ती की एग्ज़ाम करा ली गई, यहाँ पर CISF ट्रेडमैन की भी एग्ज़ाम करा ली गई, पर यहाँ पर हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री एग्ज़ाम डेट को उन्होंने रोका हुआ है। यहाँ पर बहुत सारे कारण निकल कर आते हैं जो आपको ही पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। पर दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट के अनुसार क्या अपडेट निकल कर आ रही है, क्या CISF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री की एग्ज़ाम कब यहाँ पर निर्धारित कर सकता है। जैसा कि दोस्तों, CISF ने अभी रिसेंटली नोटिस जारी कर दिया गया कि यहाँ पर एक्स सर्विसमैन की जो एग्ज़ाम है वो यहाँ पर 21 जून से लेकर जुलाई तक चलने वाली है, तो इनके बीच आपकी एग्ज़ाम डेट की कोई भी नोटिस यहाँ पर जारी नहीं होने वाली है, ना आपकी एग्ज़ाम कराई जा सकती है। पर जो मीडिया रिपोर्ट के अनुसार आपकी जो एग्ज़ाम डेट बताई जा रही है कि CISF जो है यहाँ पर हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री की जो एग्ज़ाम है वो यहाँ पर दोस्तों अगस्त या सितंबर के बीच में कराई जा सकती है, यह दोस्तों ऑफिशियली अपडेट नहीं है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जो अपडेट निकल कर आ रही है मैंने आपको वह बताया, क्योंकि हमने ट्रेडमैन के वीडियो पर CISF ट्रेडमैन के रिज़ल्ट को अपडेट को लेकर एक वीडियो दिया था जिसके अंदर यहाँ पर 5-6 कैंडिडेट का कमेंट आया था कि सर CISF
कि जो है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री की एग्ज़ाम डेट को लेकर कोई अपडेट आए तो हम तक ज़रूर शेयर करिएगा। तो दोस्तों यही शेयर जो अपडेट करना था जो एग्ज़ाम डेट को निकल कर आया था। तो उम्मीद करते हैं कि दोस्तों CISF रिक्रूटमेंट बोर्ड जो है जल्द से जल्द जो है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री की एग्ज़ाम डेट को जल्द से जल्द रिलीज करे, क्योंकि यहाँ पर लाखों अभ्यर्थी जो है एग्ज़ाम डेट रिटर्न एग्ज़ाम डेट का इंतज़ार कर रहे हैं। अगर दोस्तों आपकी रिटर्न एग्ज़ाम डेट अगर यहाँ पर अगस्त में कराई जा सकती है तो जो आपकी टाइपिंग है वह आपको 3 महीने का समय मिलेगा, उसके बाद यहाँ पर आपकी जो है टाइपिंग कराई जा सकती है। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको दोनों ही इन्फॉर्मेशन दे ली और हमारे तरफ से उम्मीद करते हैं कि आपको एग्ज़ाम डेट को लेकर जल्द ही नोटिस देखने को मिले, क्योंकि 2 साल काफ़ी लंबा समय होता है। कैंडिडेट्स इंतज़ार कर रहे हैं, यहाँ पर CISF रिक्रूटमेंट बोर्ड को समझना चाहिए। जब उन्होंने भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट की है तो उन्हें पूरा करें और कैंडिडेट को जल्द से जल्द यहाँ पर ज्वाइनिंग दें। जितने कैंडिडेटों को यहाँ पर पोस्टिंग के लिए बुलाया जाए उन सभी को यहाँ पर अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग मिले, क्योंकि यहाँ पर 429 पोस्ट के लिए यह वैकेंसी निर्धारित की गई थी और 429 कैंडिडेटों को इसके अंदर सेलेक्ट किया जाए हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री की। अगर CISF की तरफ से कोई भी अपडेट आती है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री की तो हमारे चैनल स्टडी जोन की तरफ से आप तक जरूर शेयर किया जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जोन को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। Thank you.